दोस्तों आज तारीख 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार का, और आइए उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य समाचार और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आप देख सकते हो भारत बंद को लेकर, यूपी में क्या क्या रहा बंद। डीएसपी से भिड़े प्रदर्शनकारी, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद में धक्का मुक्की हुई। वाराणसी में पुलिस कर्मियों से हुई नोकझोंक। बदायूं के अंदर सिपाही को लाठियों से पीटा गया। आजमगढ़ के अंदर भी भारत बंद को लेकर हुआ प्रदर्शन। कलेक्टर पर बसपा का झंडा लहराया, लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराई। एससी आरक्षण में क्रिमी लेयर का हुआ विरोध। जौनपुर में बोले आरक्षण के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जौनपुर में सरदार सेना के जिलाध्यक्ष बोले वंचितों के आरक्षण को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। वहीं ललितपुर में भारत बंद को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। कपिल कुमार ने कहा कि आरक्षण के अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता है। बदायूं के अंदर दोपहर में उग्र हुआ प्रदर्शन। व्यापारियों से झड़प के बाद दुकानों में हुई तोड़फोड़, पुलिसकर्मी को भी पीटा गया। आगरा के अंदर भी दुकानदार से मारपीट हुई, डंडे बरसाए। आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दुकान खुली हुई थी, हालांकि बाद में पुलिस ने संभाला मोर्चा। और हाथरस में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गांव से आ रहा था एक शख्स, जिसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, बाद में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में भी दिखा भारत बंद का असर, सपा बसपा भीम आर्मी डटी। हजरतगंज परिवर्तन चौक जाम हुआ, डीजीपी बोले ड्रोन से हो रही निगरानी, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। इतना ही नहीं, बाराबंकी के अंदर राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हुई सरकारी शिक्षिका भी। आरक्षण का था प्रदर्शन, सबसे आगे खड़ी दिखी फोटो जो आप देख सकते हो तस्वीरों में। एससी एसटी आरक्षण में क्रिमिनल लेयर के विरोध में प्रदर्शन। सोनभद्र में दलित आदिवासी संगठनों ने किया प्रदर्शन और बोले कि हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देवरिया के अंदर दलित संगठनों ने निकाला मार्च, सड़क पर उतर कर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लेयर के फैसले पर जताया विरोध। और खबर आप देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी का भारत बंद को लेकर प्रदर्शन। मुख्यालय पर प्रदर्शन करने बसों से पहुंचे लोग, हजारों की भीड़ आई सड़कों पर। हालांकि कई जगहों पर नहीं दिखा भारत बंद का असर, जैसे कि संबल में व्यापारी बोले कि 1% भी नहीं है असर, पूरी तरीके से खुले हैं बाजार। जौनपुर में असर दिखा अनुसूचित जाति जनजाति के उपवर्गीकरण को लेकर, सपा बसपा समेत राजनीतिक दलों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के अंदर भी जुटे रहे सपा बसपा के लोग। और खबर आप देख सकते हो होर्डिंग पर फोटो छोटी लगी तो भाजपा विधायक भड़क गए। आगरा में कार्यकर्ता से बोले कि मेरे नाम से तुम्हें एलर्जी है क्या, मुख्यमंत्री को कौन ला रहा है, हम ही तो है लाने वाले, ऐसे में हमारी फोटो छोटी कैसे हो गई। वही खबर है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में नहीं करना होगा खुद को सरेंडर। एक दिन की उन्हें राहत मिल चुकी है, गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है, अब आज होगी सुनवाई। जबकि एमपी एमएलए कोर्ट ने तो 3 महीने की सजा भी सुना दी है। वही खबर है मथुरा से, एक्सरे के नाम पर पैसे वसूलने का लगा आरोप। जिला अस्पताल में महिला के परिजनों का हंगामा, कर्मचारी बोले कि पूर्व कर्मी कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि कानपुर में तो मात्र 100 रुपए में होगा एक्सरे, क्योंकि सीएसजेएमयू कानपुर में पहले दिन 20 मरीजों का तो निशुल्क किया गया, अब गरीबों को मिलेगी राहत। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन हुआ और अब 100 रुपए में किया जाएगा मरीजों का एक्सरे। वही खबर है अयोध्या से, भाजपा ने कैंडिडेट नहीं बदला तो होगी हार। मिल्कीपुर में जाति फैक्टर सपा के साथ गैंग रेप कांड के बाद बीजेपी को लीड किया जाना चाहिए। और खबर है लखनऊ से, 25 गैंगस्टर को डेन करने वाले आईपीएस अभिषेक सिंह, 84 बदमाशों को दौड़ाकर मारी गोली। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का आदेश देकर चौंकाया। और खबर आप देख सकते हो अयोध्या के अंदर गैंग रेप आरोपी मोहित की बिल्डिंग पर चलेगा आज बुलडोजर। पीएनबी को 24 घंटे में खाली करने का नोटिस, ऐसे में आनन फानन में सामान किया जा रहा है शिफ्ट। वही खबर है मेरठ से, फटे नोट को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, दुकानदार सहित 5 लोग घायल, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर। और महाराजगंज से खबर देखिए, 20,000 की रिश्वत ले रहा था लेखपाल और हुआ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम को देखकर भाग रहा था, गोरखपुर की टीम ने दौड़ा कर पकड़ा। वही खबर है संत कबीर नगर से भी, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर कानूनगो को किया गिरफ्तार, तहसील गेट के पास ले रहे थे 5,000 रुपए, पूछताछ के लिए थाने ले आई टीम, फोटो आप देख सकते हो तस्वीरों में। इतना ही नहीं, गोरखपुर के अंदर 10,000 की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, अपहरण केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए मांगे पैसे, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। और खबर है प्रयागराज से, यहां पर भी 10,000 रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक हुआ अरेस्ट, पैमाइश के लिए महिला से मांगे थे पैसे, विजिलेंस टीम ने ट्रैप कर पकड़ा। और खबर आप देख सकते हो चंदौली में 10 केंद्रों पर होगी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा, एसपी बोले कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सांजापुर में 12 केंद्रों पर 5 दिन होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, डीएम ने रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण और बोले कि सीसीटीवी की निगरानी के लिए बना है कंट्रोल रूम। बदायूं के अंदर भी पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी पूरी, 16 केंद्रों पर होगी परीक्षा, बायोमेट्रिक हाजिरी समेत 3 चरणों में होगी चेकिंग। और ललितपुर में 8 परीक्षा केंद्रों पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, डीएम से लेकर एसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और कहा कि अराजक तत्वों पर होगी सख्त कार्रवाई। उन्नाव को लेकर खबर आप देख सकते हो, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर रिहर्सल, एडीएम ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा और सेंटर्स पर अतिरिक्त फोर्स की तैनात। गोंडा के अंदर भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस की रिहर्सल, 13 केंद्रों पर होगा इंतजाम, पर्यवेक्षक ने सीसीटीवी को किया चेक। और सीतापुर में 8 केंद्रों पर होगी भर्ती परीक्षा,
डीएम और एसपी ने कंट्रोल रूम में सुरक्षा व्यवस्था देखी और मोबाइल ले जाने की नहीं दी अनुमति। प्रतापगढ़ के अंदर भी पुलिस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। पूरे जिले में 42,240 परीक्षा में शामिल होंगे छात्र और परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से किया गया लेस। गाजीपुर में भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीआईजी ने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों को किया चेक, स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। कानपुर के अंदर भी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों का लिया जायजा। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थी हैं सक्य दायरे में। ऐसे उनमें उन्हें परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले आना होगा और ईकेवाईसी करानी होगी। डाटा मैच न होने पर होगी उनके खिलाफ कार्यवाही। वही खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों की टिकट एक ही ऐप पर मिलेंगे। एनसीआरटीसी और डीएमआरसी में हुआ करार, ट्रेन बदलने वाले यात्रियों को मिलेगी अब सहूलियत। और खबर है महोबा से, नकली सोने का हार गिरवी रखकर 3 लाख रुपए की हुई ठगी। महोबा पुलिस ने नई दिल्ली के 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर देख सकते हो, फर्जी कागज लगाकर सफाई का टेंडर उठा लिया। लोयन सिक्योरिटी कंपनी पर आरोप है कि फर्जी तरीके से टेंडर अप्लाई किया। नगर आयुक्त ने कहा कि अब इसकी पूरी जांच होकर रहेगी। वही खबर है, लखनऊ में पकड़ा गया 15,000 का इनामी, फर्जी आधार कार्ड पर दूसरे को दिला रहा था परीक्षा। 5 साल से चल रहा है फरार। और प्रयागराज से खबर आप देखिए, यूपी में अब निवेश पर लाभ सबसे ज्यादा सुरक्षित। सीएम योगी ने प्रयागराज में ऑनलाइन सीमेंट प्लांट का भी किया शिलान्यास। वही खबर है, पीलीभीत से टाइगर ने किसान पर किया हमला, ग्रामीणों ने अस्पताल में कराया भर्ती, परिजन बोले खेत में कर रहे थे काम। वही हापुड़ से खबर है, सिमरन को डीएम ने किया सम्मानित, BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। फोटो आप देख सकते हो तस्वीरों में। लखनऊ से खबर है, सुल्तानपुर रोड पर LDA ने अवैध निर्माण गिराया। दुबग्गा में 5 मंजिल मकान किया सील, नक्शा पास उसका नहीं हो रखा था। वही खबर है सीतापुर से, HT लाइन का पोल टूटकर गिरा, स्कूल बस बाल बाल बची, जिसमें थे 24 बच्चे सवार, ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग। वही खबर है बरेली से, डीएम ने गन्ना किसानों की परेशानियों को सुनते हुए नवाबगंज और बहेड़ी चीनी मिलों के मैनेजरों को भुगतान न करने पर किया तलब। वही खबर है कासगंज में भारतीय किसान यूनियन ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया, पटियाली में पुलिया निर्माण की मांग, पुलिया टूटने से लोगों को हो रही है परेशानी। लखनऊ से खबर आप देख सकते हो, खस्ता हाल सड़कें, ट्रैफिक जाम बढ़ा रहा है प्रदूषण भी। शहर में एयर पोल्यूशन के 8 हॉटस्पॉट इलाके, औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की वजह बनी टूटी हुई सड़कें, क्योंकि ज्यादा देर तक गाड़ियों का इंजन रहता है चालू। वही खबर है गाजीपुर के अंदर RPF के 2 जवानों के न्यूड शव मिले, ट्रेन से मोकामा जा रहे थे ये लोग, एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर पड़ी थी बॉडी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो खुद सुसाइड किया या फिर किसी ने उन्हें फेंक दिया, जांच अभी जारी है। वहीं बलरामपुर से खबर आप देखिए, ग्रामीण इलाकों में सड़कें जो अब नहीं बनेगी, बेहतर कनेक्टिविटी से मिलेगी राहत, 2 करोड़ की योजनाओं से ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी सुविधा। और नोएडा से खबर है, प्राधिकरण 392 करोड़ की जमीन वापस लेगा, यूनिटे को 2011 में की थी आवंटित, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध के बाद लेगा अब कब्जा दोबारा। और जौनपुर से खबर देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध हुए 586 कॉलेज, 97 महाविद्यालयों को मिली स्थायी मान्यता और 51 नए महाविद्यालयों को मिली NOC। और खबर है लखनऊ से, एंटी थेफ्ट स्ट्रीट LED लाइटें लगेगी, जिसे अगर कोई चोरी करना चाहेगा तो टच करते ही बजेगा सायरन। चोरों से बचाने की नगर निगम की नई तैयारी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। और साथ ही आपका सवाल रहता है कि DLS भाई कहां है। आपको बता दें, DLS भाई अभी आपके लिए खबरें निकालने में, खबरें इकट्ठी करने में और अलग अलग जगहों से न्यूज का कलेक्शन करने में काफी ज्यादा बिजी है। ऐसे में हम DLS भाई के टीम मेंबर हैं। DLS भाई ने हमें टास्क दिया कि आप लोगों तक सरल और सिंपल भाषा में खबरें पहुंचाइए, तो हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। ऐसे में समय अभाव के चलते DLS भाई आपके लिए न्यूज कलेक्शन में बिजी हैं। ऐसे में आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बांग्लादेश की घटना पर काशी के व्यापारियों का आह्वान, 22 अगस्त को बनारस बंद का किया ऐलान, आक्रोश रैली में भी होंगे शामिल। और खबर है, वाराणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगेगा हेरिंग बोन ड्रेनेज सिस्टम, बारिश के बाद आधे घंटे में दोबारा हो सकेगा खेल, 350 करोड़ की आएगी लागत। वाराणसी की कबीर चौरा मोर्चुरी से नहीं आएगी अब बदबू, क्योंकि यहां पर बनेगा कोल्ड चैम्बर। SI बोले कि जल्द ही शासन से मिलेंगे 8 फ्रीजर, एक साथ रखे जा सकेंगे 1500। और खबर है, वाराणसी में खाली प्लॉट बना कूड़ाघर, नगर निगम ने 1173 प्लॉट के 52 स्वामियों से वसूला 3,37,000 का जुर्माना। वही खबर है, मुजफ्फरनगर में CM योगी का आगमन होगा आज, मीरापुर क्षेत्र के BIT रोजगार मेले में करेंगे प्रतिभाग, लैपटॉप वितरण और भाजपाइयों से करेंगे संवाद। सीतापुर से खबर आप देखिए, 47 स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ निरस्त, फिटनेस न कराने और आयु पूर्ण हो चुके वाहनों पर DM ने की कार्यवाही। वही खबर है, हापुड़ से बिजली कनेक्शन कटने से लोगों में आक्रोश, थाने पर एकत्रित होकर गढ़ रोड पर लगाया जाम, अफसरों ने समझा बुझाकर खुलवाया रास्ता। अमेठी से खबर है, सांसद ने सड़क का किया लोकार्पण, 15 करोड़ की लागत से बनी 18 किलोमीटर लंबी सड़क, PWD गेस्ट हाउस में हुआ कार्यक्रम। वही खबर है, कासगंज से
भीम आर्मी के प्रदर्शन से मथुरा बरेली रोड पर लगा जाम। कासगंज में घंटू फंसी रही बसें। दवा लेने जा रहे यात्रियों की बिगड़ी तबीयत। वाराणसी से खबर है, घर घर मच्छरों का लार्वा खोज रहे स्वास्थ्य कर्मी। लार्वा पाए जाने पर इकरान में घरों को जारी किया नोटिस। 22,000 से अधिक घरों में हुई जांच। और खबर है, प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं का उग्र प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस में ताला जड़ा, एसडीएम सीओ का पुतला फेंका। वहीं महाराजगंज से खबर देखिए, अधिकारी 50 परिषदीय विद्यालयों को लेंगे गोद। डीएम ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बनेंगे मॉडल स्कूल। और खबर है, गोरखपुर में अवैध सोने के कारोबार का पर्दाफाश। हिंदी बाजार के प्रमुख ज्वेलरी व्यापारी के ठिकानों पर डीआरआई का छापा। कोलकाता से जुड़ा सोने के तस्करी का नेटवर्क। वहीं खबर है, बहराइच में नहीं दिखा भारत बंद का असर। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो किया प्रदर्शन, मगर बाजार रहे खुले। और खबर आप देख सकते हो, एससी एसटी आरक्षण में कोटा दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ मुजफ्फरनगर में भी। भीम आर्मी बंद का आह्वान, कलेक्टर में हुआ धरना। वहीं बस्ती से खबर है कि प्रशासन ने नहीं सुनी तो चंदा इकट्ठा करके बनवा रहे सड़क। बस्ती में 45,000 रुपए कर चुके हैं खर्च। कीचड़ और जल भराव से परेशान है लोग। और सोनभद्र से खबर है, एक ही कक्ष में संचालित हो रहा स्कूल और किचन। प्रधानाध्यापक बोले कि कई बार अधिकारियों और प्रधान से शिकायत की, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और खबर आप देखिए, झांसी से बर्खास्त दरोगा के खिलाफ एफआईआर। एंटी करप्शन की जांच में आय से 1,34,00,000 ज्यादा पाए गए। और अयोध्या से खबर है, दलित संगठनों का प्रदर्शन। बसपा आजाद समाज पार्टी ने एससी आरक्षण में क्रिमी लेयर का किया विरोध। स्थितियों का संभालने के लिए सीआरपीएफ उतरी सड़कों पर। मिर्जापुर के अंदर आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले कि इसमें छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये समाज के हित में नहीं है। और खबर है, लखनऊ के अंदर सचिन पायलट ने सेबी के चेयरमैन पर लगाया आरोप। अडानी ग्रुप के साथ सेबी के चेयरमैन की है मिलीभगत। जेपीसी से की जांच की मांग। वहीं खबर है, कासगंज में अराजक तत्वों ने पूर्व सीएम का बैनर और पोस्टर फाड़ा। हिंदू गौरव दिवस की तैयारी के लिए लगाई थी होर्डिंग। विधायक बोले एफआईआर दर्ज कराएंगे। और खबर आप देख सकते हो, भारत बंद के दौरान नोएडा पुलिस का पैदल मार्च। देर शाम तक बॉर्डर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस मुस्तैद, सोशल मीडिया की निगरानी। और खबर देखिए, बहराइच से किसानों की समस्याओं का समय से करें निस्तारण। बहराइच में डीएम ने मीटिंग के दौरान दिए निर्देश, कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। और बलिया से खबर है, पुलिस थानों में रुपया गिन रही है। भाजपा सरकार में अपराधी सड़क पर कर रहे हैं नंगा नाच, सपा जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव का कहना। और खबर है, कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में लखीमपुर खीरी में हुआ प्रदर्शन। 90 दिन धरने पर बैठ रहे डॉक्टर, खुले में लगाई गई ओपीडी भी। और वाराणसी से खबर है, 39,15,000 की साइबर ठगी। 7 लोग हुए अरेस्ट। कार बुकिंग का टास्क देकर महिला का खाता किया साफ। मध्य प्रदेश में आरोपियों को पकड़ा। वहीं खबर है, अमेठी से अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पार्क पर किया गया था कब्जा, सौंदर्यीकरण करने के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव। और साथ ही खबर है, वर्ग संस्था 25 अगस्त को दिल्ली में आयोजित करेगी कार्यक्रम। फाउंडर बोले कि बिना किसी सरकारी मदद, बिना किसी से चंदा लिए करते हैं हम लोग काम। बस्ती से खबर देगी, शिक्षक नेता बोले गैर मान्यता विद्यालयों को बंद कराया जाए। 35 गैर मान्यता स्कूलों की सूची डीएम को सौंपी, जल्द कार्रवाई की मांग। वहीं खबर है, हापुड़ से मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। 373 निगरानी समिति करेगी लोगों को जागरूक और 72 सर्विलांस टीम का भी किया गठन। वहीं खबर देगी, बलरामपुर में दिखा भारत बंद का असर। राजनीतिक पार्टियों के साथ दलित संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में। और लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने रात में हटाया, फिर शुरू हुआ धरना। प्रदर्शनकारी बोले कि सीएम पर भरोसा है, अधिकारियों पर नहीं। और खबर है, इटावा से जीआरपी सिपाही ने टोल कर्मचारी को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। इटावा में आईडी कार्ड मांगने पर हुआ गुस्सा, हालांकि वर्दी में नहीं था पुलिस कर्मी। साथ ही खबर देखिए, श्रावस्ती से दलित संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, जिला प्रशासन को सौंपा। भारत बंद को लेकर संबल में भी दलित संगठनों ने किया प्रदर्शन। बसपा जिलाध्यक्ष बोले बाबा साहब ने दिए, अधिकारों के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं हम। कौशाम्बी के अंदर भी आरक्षण बचाओ मंच ने किया प्रदर्शन। मंजनपुर चौराहे से कलेक्टर तक निकला पैदल जुलूस, बसपा भीम आर्मी दलित संगठन रहा शामिल। और खबर है, बलरामपुर से पुलिस की सर्विलांस सेल ने 111 स्मार्टफोन किए बरामद, फोन स्वामियों को वापस सौंपे। बरामद की गई फोन की कीमत 17 से 20 लाख रुपए के आसपास है। और खबर देखिए, कानपुर ट्रेन हादसे में ब्लैक बॉक्स की होगी जांच। 90 की स्पीड में ट्रेन भारी चीज से टकराई, 5 घंटे तक 4 एजेंसियों ने साजिश के सबूत खंगाले। वहीं खबर है, कानपुर से ही अवनीश दीक्षित नहीं दे सका सवालों के जवाब। कानपुर पुलिस ने पूछा कि 20,000 सैलरी से 5 करोड़ का बंगला कैसे हो सकता है, लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति कैसे। अभी हाल ही में पता होगा, योगी सरकार ने नियम निकाला है, हर एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन सबमिट करना होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई, क्योंकि आए दिन आय से अधिक संपत्ति के मामले देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिया, अगर किसी भी अफसर या कर्मचारियों ने 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया तो अगस्त महीने की नहीं मिलेगी तनख्वाह। और खबर देखिए, गोरखपुर से महबूब नगर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चलाई जाएगी ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। रामपुर से खबर है, उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन, छात्रों को स्वावलंबी बनाने की दी प्रेरणा। स्वयं सेवक बोले कि रोजगार देने वाले बने, लेने वाले नहीं। और खबर है, गाजीपुर में भी वृहद ऋण मेले का हुआ आयोजन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत के हाथों 163 करोड़ 94 लाख की ऋण राशि के किए चेक वितरित।
वहीं खबर है बदायूं को लेकर सक्रिय गलियों में पहुंचेगी फायर बुलेट। 70 लीटर पानी की क्षमता 30 फीट तक कर सकती है बौछार। और कानपुर से खबर है विश्व उद्यमिता दिवस पर उद्यमिता के बारे में बताया गया युवाओं को। कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्टार्टअप के लिए किया गया जागरूक। मेरठ को लेकर खबर है जगह जगह चल रहे हैं सट्टे के अड्डे। माफियाओं को पुलिस का खौफ नहीं है। नोट बटोरते जुआ खेलते दिख रहे हैं युवक, आप देख सकते हो तस्वीरों में। इसी के साथ वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम समाचार को जानने का। आप देख सकते हो 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यूपी के अंदर कभी बारिश तो कभी धूप, 30 से ज्यादा जिलों में आज होगी बारिश। मानसून का असर तो ये कहता है कि 25 अगस्त तक वर्षा का दौर जारी रहेगा। 50 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी। कन्नौज के अंदर आप देख सकते हो बैंक मैनेजर की कार डूबी। लखनऊ, वाराणसी और बस्ती में हुई बरसात। यूपी के 10 जिलों में बाढ़, 24 घंटों में 7 मौतें। बलरामपुर में बाढ़ से मची तबाही, 50 गांव हुए जलमग्न। मुख्य मार्गों पर चल रही है नाव। राप्ती नदी में तेज हुआ कटान। कन्नौज के बैंक मैनेजर की कार भी डूबी, ये भी हमने आपको बताया। और बस्ती के अंदर कटान के कारण घर छोड़ रहे हैं लोग। बस्ती में बाढ़ का कहर, बुलडोजर से ही खुद तोड़ रहे हैं अपने घर। यूपी के गोंडा, गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। वहीं खबर है वाराणसी से, बीएचयू अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल, नया फरमान जारी। और कानपुर से खबर है मेट्रो स्टेशनों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे, संदिग्ध या अप्रिय घटना को पहचान कर खुद अफसरों को देंगे जानकारी। साथ ही कानपुर से खबर आप देखिए, मेट्रो स्टेशन ही नहीं चकेरी पुलिस को भी महंगी पड़ी छात्र की फर्जी गिरफ्तारी। 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमे का आदेश जारी। और खबर है अब शस्त्र लाइसेंस, जो कि गन का लाइसेंस लेते हैं ना, उन संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे। यूपी को लेकर खबर देगी 318 करोड़ के सीवर प्रोजेक्ट में हुई धांधली। इंजीनियरों को लगी फटकार, थमाया गया नोटिस और लखनऊ तलब किया गया। वहीं खबर देखिए 32 आईपीएस से भी हुई ठगी, पूरे 19 साल चला खेला, किसी को नहीं लगी भनक, अब आया सामने फर्जीवाड़ा। और खबर है अयोध्या से रामलला के दर्शन के लिए सावन में उमड़े श्रद्धालु, 35 लाख भक्तों ने किए दर्शन। और खबर है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कहां पहुंचा उत्तर प्रदेश, सामने आई योगी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट। अभी भारत जो वो 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पैदा कर रहा है। और खबर है यूपी के 5 मंडलों में नए रिंग रोड बनाने की तैयारी, राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। हरी झंडी मिलते ही प्रदेश के सभी मंडलों में रिंग रोड का मार्ग जो प्रशस्त हो जाएगा। 5 जिलों के नाम आप देख सकते हो, अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मिर्जापुर, सहारनपुर। और खबर है सैकड़ों हिंदुओं के हत्यारे के लिए दर्द छिलका, लेकिन कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर चुप रहे अखिलेश और उन पर बरसे सीएम योगी। बोले कि बाबूजी को श्रद्धांजलि न देने वाले अपराधी के मरने पर फतिया पटने चले गए। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, सैकड़ों हिंदुओं के खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर सीधा हमला, आप देख सकते हो। वहीं खबर है मुत्तार और अतीक के करीबियों समेत 11 अपराधियों की जेल बदली। पश्चिम का सातिर अनिल भाटी भी लाया गया पूर्वांचल। और खबर है यूपी के अंदर देर रात 13 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। आईएएस अधिकारी प्रतीक शारत विजयेंद्र को मिली कई जिम्मेदारियां। सीएम योगी ने प्रयागराज में किया सीमेंट प्लांट का लोकार्पण, बोले कि 350 से ज्यादा लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार। और अंतिम अपडेट है आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठन देश भर में किए प्रदर्शन। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। कई जगहों पर सड़कों पर, हाईवे पर हुआ जाम और निकला जुलूस। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।